सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल TFS राइड में। और आज की जो ये वीडियो है ये थोड़ी सी स्पेशल मैं कह सकता हूँ, बिकॉज मेरे लिए है। क्यों है? क्योंकि मैंने अपना प्रोडक्ट ऑर्डर किया था अमेज़ोन से। वो क्या था एक्चुअली, मैं जब भी मैं राइड कर रहा था तो हर बार आपको ही पता है कि विंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आता है। तो कौन सा माइक एक्चुअली में GoPro के लिए सूटेबल है उसका पता नहीं था, बट काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को देखा तो उसके बाद में फिर पता चला कि जो मोआना करके एक माइक आता है, मैं एक्चुअली में उसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने वो ऑर्डर किया है, यहाँ पे 390 रुपीज़ इसका प्राइस पड़ा है। अमेज़ॉन इंडिया की तरफ से ये मुझे ट्रांसफ़र किया गया है। तो अभी इसको हम लोग ओपन करके देखते हैं और उसके बाद आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या हमें बेसिकली मिल रहा है। तो अभी इसका माइक हो गया चीर है। सो ये माइक है, इसके साथ में यहाँ पे हमें इनवॉइस मिली है जो टोटल कॉस्टिंग हमें आई है 430 रुपीज़। 390 का एक्चुअल प्राइस है और 40 रुपये डिलीवरी चार्जेस लगे हमें। 2 दिन पहले ऑर्डर किया था, सो सैटरडे की डेट दिखा रही थी भेजने की, बट इन्होंने भेज दिया। सो अभी इसको ओपन करते हैं। सो इसके अंदर हमें कुछ कह रहा है हैप्पी हो जाओ। सो ये है क्या, नीड मोर हेल्प, अगर आपको एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो उसके लिए कार्ड दिया गया है साथ में। स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिखाया गया जो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो मुझे प्लीज़ बताना, ठीक है। वेल इसको रखते हैं साइड में, ये इसका पैकेट है और इसके साथ में ये इसका एक इन्होंने कवर दिया हुआ है। इसके अंदर देखते हैं हमें एक्चुअली मिल क्या क्या रहा है। सो ये है कॉलर के साथ में इस माइक को अटैच करने के लिए, ये है इस माइक को हम कॉलर के साथ अटैच कर सकते हैं अगर इसको यूज़ करना है तो, अदरवाइज़ ये TRS है या फिर TRRS है जो कन्वर्टर आता है वो इसके साथ में दिया गया है। और इसके अलावा ये माइक है। अभी इसकी क्वालिटी तो जब हम लोग इसको यूज़ करेंगे एक्चुअल में हेलमेट पे, तब जाके हमें पता चलेगा कि इसकी क्वालिटी या फिर जो विंड नॉइज़ है वो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए अभी हम लोग चलेंगे एक छोटी सी राइड पर और वहाँ पर जाके बातें करते हैं आपसे, और आप मुझे बताना कि कैसा रिजल्ट है इसका। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अब मिलते हैं आपसे राइड पे। सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल TFS राइड में। और फाइनली माइक आ गया है, लग चुका है, और अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मुझे बताओ कि जो वॉइस है वो कैसी है, ठीक है, अच्छी आ रही है या फिर नहीं आ रही है। फिर विंड ब्लास्ट जो है वो अभी भी स्टिल है, तो विंड ब्लास्ट का तो तभी पता चलेगा जब मैं इसको थोड़ा सा तेज भगाऊंगा, बिकॉज बिना तेज चलाए तो विंड ब्लास्ट का पता नहीं चल सकता है। काफ़ी टाइम के बाद में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने सजेस्ट किया कि इसको ऐसे लगाओ, उसको ऐसे लगाओ, मतलब जो माइक का सेटअप करना है वो किस जगह पर करना है। बिकॉज लास्ट टाइम जब दादा अल्टीमेट राइडर्स के साथ में राइड कर रहा था तो उस टाइम पे जो मैंने माइक यूज़ किया था, प्रशांत भाई हैं उन्होंने मुझे अपना माइक यूज़ करने के लिए दिया था, बट उसको मैं बिल्कुल सेंटर में रख के यूज़ कर रहा था। तो जहाँ पे हम खड़े थे उस जगह तो आवाज़ अच्छी आ रही है, तो जब मैं बाइक राइड कर रहा था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा शोर था, जिसकी वजह से मुझे उस पूरी वीडियो में से काफ़ी सारे पार्ट्स एडिट करने हो गए थे। बट अभी देखते हैं इसमें क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, एक जगह पे स्टॉप करके भी देखूंगा रिजल्ट, बिकॉज मैंने भी अपने फ़ोन को कनेक्ट किया हुआ है GoPro के साथ में, तो इंस्टेंट अभी पता चल जाएगा। रिजल्ट है वो चेक करने का टाइम आ गया है, तो कहीं पेड़ के नीचे छांव में रोक के अपन लोग ये रिजल्ट चेक करेंगे कि भाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सो एक बार फिर से इसकी टेस्टिंग करेंगे, बिकॉज अभी मुझे वॉइस जो विंड ब्लास्ट था वो बहुत ज़्यादा आ रहा था,
कहीं कहीं पे जो आवाज़ है ना वो बहुत खड़खड़ाने लग जाती है। तो ये मुझे एक्चुअल में कभी कभी रीज़न समझ में नहीं आता है क्यों। तो मैंने अभी माइक की सेटिंग चेंज की है और उसके बाद में फिर वापस से एक बार राइड लेके देखते हैं क्या आ रहा है, क्या आने वाला है आवाज़। मैं दोनों चीज़ें डाल के देखूंगा तो इससे मुझे भी पता चलेगा और आपको भी पता चलेगा कि क्या गलतियां करनी है और क्या नहीं करनी है। अरे हवा का शोर है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो एक अलग ही इरिटेट करने वाला जो साउंड आता है ना वो कहीं ना कहीं दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है। अब यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। सो जो फाइनली सेटअप है वो कंप्लीट हो गया है। लिटरली खुशी हो रही है कि जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई है। तो आपको ना जब भी अगर आप GoPro यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम पे अपनी सेटिंग में स्टैंडर्ड माइक को प्लस मत करना, ठीक है? उसको ना नॉर्मल स्टैंडर्ड माइक रहने देना बस। स्टैंडर्ड माइक प्लस का भी ऑप्शन है और स्टैंडर्ड माइक का भी ऑप्शन है। तो स्टैंडर्ड माइक प्लस में जो जो आवाज़ जो आ रही थी ना अभी आपने सुना भी होगा, ठीक है, जो पहले मैंने चेक किया था वो स्टैंडर्ड प्लस स्टैंडर्ड माइक प्लस में था, ठीक है, और जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है वो सिर्फ स्टैंडर्ड माइक में रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसमें इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इवन कि इसमें जो साउंड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा आ रहा है। सो मैं बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूँ बट जो रिकॉर्ड है चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं। सो फर्स्ट टाइम एक यूट्यूबर को और क्या चाहिए यार, जब उसकी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड हो रही हो वाइल आई एम रिकॉर्डिंग ऑल द थिंग्स फॉर यू ऑन रोड। सो मेरे सामने अभी आप देख पा रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड टावर नोएडा का, बहुत ऊंचा है यार, बहुत ऊंचा है। कहते हैं कि 38-40 फ्लोर ना वैसे सुनने में इतना बड़ा नहीं लगता, कि जैसे 110 मंजिले की इमारत होती है वो देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा लगे आप देखने, लेकिन जब आप इसके टॉप पे जाओगे ना तो वहाँ से फील होता है कि एक्चुअली में 40 मंजिला भी ना बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है। सो थैंक यू मोआना, लिटरली थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली माइक, बिकॉज इससे पहले मैं इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ ऑलमोस्ट इतने की ही जितने में माइक आया है, इससे ज़्यादा की, बट मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। उस टाइम मैंने अपना जो फ़ोन का ईयरफोन होता है वो भी यूज़ किया था, बट उसमें भी एक इशू था कि आवाज़ बहुत धीमे आती थी। सो आज ऐसा क्या है भाई कि सारी दुकानें नहीं लगी, अपन पेट पूजा कैसे करेंगे, यहाँ तो सर छोले वाला है। तो अभी लंच टाइम हो रहा है ऑफिस के अंदर, तो मैं कुछ खाने पीने के लिए बाहर आया हुआ था। सो अभी क्या करेंगे, अभी चल के कुछ देखते हैं कहाँ पे कुछ मिल रहा है। वैसे इधर की तरफ इस वजह से भी आया था बिकॉज़ यहाँ पे जो एक्सिस बैंक है वहाँ पे 3 साल मैंने काम किया है, 2015 to 2018, एंड आफ्टर दैट अभी जिस कंपनी के लिए मैं वर्किंग हूँ सो वहाँ पे वो भी नोएडा सेक्टर 16 में आ चुकी है। तो दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो ऑलमोस्ट बराबर है। उस टाइम पे एक्सिस के पास में एक वैन वाला है, काफ़ी अच्छा खाना देता है वो, राइस कड़ी, राइस छोला, राइस एंड पनीर की सब्जी वगैरह वगैरह काइंड ऑफ, बहुत अच्छा लगता था उसका टेस्ट, बहुत टेस्टी होता था एक्चुअल में है। तो इसी वजह से इधर चला जाता हूँ खाने के लिए, बट अब ऑप्शन में नहीं है तो जो भी यहाँ हमारे आसपास में होने वाला है उसको देखेंगे। और वेल अभी अगर मैं अपनी आवाज़ सुन रहा हूँ ना, मैंने एक जगह पे रोक के जब रिकॉर्ड किया वापस से सुना तो सच में खुशी हो रही थी। मुझे अपने बर्थडे पे इतनी खुशी नहीं थी, वैसे 4 अगस्त को मेरा बर्थडे था, अगर आप सभी देख रहे हैं तो मुझे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे अपन लोग चलेंगे और यहाँ देखते हैं इन भैया के पास में क्या है। वैसे कढ़ी चावल तो ये भी लगाते हैं, लेकिन जो इनका कढ़ी चावल होता है ना थोड़ा सा तीखा होता है, तो तीखा होने की वजह से इनके पास
खाना पेट ख़राब करने के बराबर है, देखो हर किसी को हजम नहीं होता ना। वेल कोई नहीं, सो अभी जो मुलाकात होगी वो खाना खाने के बाद होगी। पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका बाहर से जो टोटल लुक है ना वो किस तरीके का लगता है देखने में, बिकॉज मुझे थोड़ा सा इसमें मोना के माइक में जो कमी लग रही है ना वो मैं आपको बताता हूँ, जो सभी को लगती है। जो इसमें ये TRS का कनेक्शन दिया गया ना, ये इतना ज़्यादा बाहर है जिसकी वजह से मुझे जो ये वायर है ना थोड़ी सी लूज़ रखनी पड़ी है। सो कोई नहीं, जब तक नहीं है तब तक एडजस्ट करते हैं, अदरवाइज़ कुछ और ऑप्शन मिलेगा तो वो देखेंगे फिर। तो अपना खाना यहाँ पे लग गया, अब खा पी के बात करते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश का नाम नहीं ले रही। दिल्ली तड़पाए तरसाए रे, सारी रात जगाए रे, दिल्ली से नहीं है हमें प्यार इस गर्मी में, कुछ ऐसे भी लिरिक्स बना लो यार। देख रहे हो पसीना कितना ज़्यादा निकल रहा है। वेल राइड हो गई कंप्लीट, आवाज़ आपने सुन ली है, कमेंट करना मत भूलना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब के बिना तो जाना ही मत, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।